बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स ऑनलाइन क्लास, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट जी। सब्ट्रैक्ट -10/7 फ्रॉम 4/3 इज सेम एज एडिंग -2/4/3। यानी 4/3 में से -10/7 को सब्ट्रैक्ट करें तो उसका आंसर सेम होगा। यानी ये चीज़ सेम होगी कि हम 4/3 में ऐड करें डैश, यानी कौन सा नंबर ऐड करें तो दोनों साइडें बैलेंस होंगी। इस स्टेटमेंट को हम पहले रफ वर्क में लिखेंगे, स्टेटमेंट को समझने के बाद। यानी सब्ट्रैक्ट करना है -10/7 को 4/3 में से, 4/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -10/7 को। दो साइन जब इकट्ठे आ जाएं तो हम सेकंड वाले नंबर को ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से ये सेम हो जाता है, सेम इन इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? एज एडिंग 4/3 -2/4/3। डैश मीन दिस नंबर इज मिसिंग, दिस रैशनल नंबर इज मिसिंग। सो वी विल राइट एक्स ओवर हियर +4/3। अब यहाँ पर जब इन दोनों साइड्स को हम सॉल्व करते हैं, मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको सिंगल कर लेते हैं। यहाँ पर x को हम सेपरेट कर लेंगे और ये 4/3 यहाँ प्लस हो रहा है। हम इसको दूसरी साइड पर जब इक्वल के इस साइड पे लेके आते हैं, अपने लेफ्ट साइड पे आप इसको लेके आते हो तो इट विल बी चेंज इनटू नेगेटिव रैशनल नंबर। प्लस का था, यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा। 4/3 माइनस माइनस, ये दो साइंस हैं, इनको सिंगल करना है आपने। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/7 एंड -4/3 इज इक्वल टू एक्स। सेम नंबर्स विद डिफरेंट साइन विल बी कैंसल्ड। यानी सेम नंबर हो हमारे पास और उनके साइन डिफरेंट हो। 4/3 है, ये भी 4/3 है, ये पॉजिटिव 4/3 है, ये नेगेटिव 4/3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इट विल बिकम जीरो। 10/7 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू, यानी जो हमारा अननोन था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 10/7। आपने जस्ट अपनी बुक पर इसको 10/7 लिखना है, बाकी ये सारा रफ वर्क आपने नोटबुक पर सॉल्व करना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा 10/7। पार्ट एच, 4/5 -1/2 इज इक्वल टू 3/10। यहाँ भी इस अननोन को 4/5 -- इज इक्वल टू 3/10। इस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता तो आपने इस नंबर को 3/10 में से सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, यानी इनको हमने, ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम 3/10 में से, सॉरी 4/5 में से 3/10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 4/5 में से, ये रफ वर्क में हमने सारा प्रोसेस करना है, 4/5 में से ये वाली जो 3/10 आपका रैशनल नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम 10। 5 2 times 10, 2 4s are 8, -10 1 times 10 एंड 1 3s are 3। 8 - 3 इज इक्वल टू 5/10। दीज टू नंबर्स विल बी कैंसल्ड बाय द टेबल ऑफ 5, 5 1 times 5 एंड 5 2 times 10। सो द आंसर इज 1/2। रफ वर्क में हम इसका आंसर निकाल लेंगे एंड वी विल राइट दिस आंसर इन आवर स्पेस। -1/2 इज आंसर। पार्ट आई, -4/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/-8। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन
जो जो नंबर कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे. फोर वन टाइम्स फोर एंड फोर टू टाइम्स एट. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. माइनस माइनस ये नेगेटिव की फ्रैक्शन सॉरी रैशनल नंबर है और ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि ये दोनों साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे. माइनस प्लस माइनस यानी आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा. वन थ्री टाइम्स थ्री एंड फाइव टू टाइम्स टेन. आंसर इज माइनस थ्री बाय टेन. सॉल्व ऑल दीज पार्ट्स इन योर बुक एंड डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14.